राम राम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय में सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। दोस्तों, हम साधारण मनुष्य हैं और हम भगवान के करने को कभी नहीं समझ सकते, इसे आपको मानना ही चाहिए। दोस्तों, कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे हम अपने ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं कि जब हमारी इच्छा के विपरीत कोई कार्य होता है तो हम अपने भगवान से कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, और या जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हमको कोई चीज की प्राप्ति नहीं होती है तो भी हम अपने ईश्वर से कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, या मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, आप मुझे इतना कष्ट क्यों देते हैं। और दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि जो लोग जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उन्हें उतने ही ज़्यादा भगवान की परीक्षा का सामना करना पड़ता है, और ईश्वर उनकी सबसे ज़्यादा परीक्षा लेते हैं जो उनके सबसे करीब होते हैं। परंतु आपको ईश्वर के कार्यों में कभी भी संशय, कोई भी शक आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की करनी में कुछ ना कुछ अलग अर्थ जरूर होता है जिसे हम जैसे साधारण से मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। हमारा कार्य होता है केवल कहना कि भगवान मुझे ये चीज़ दे दीजिए, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा या मैं आपके व्रत रखूँगा, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर हैं, वो हमारे माता पिता हैं, उन्हें सब कुछ समझना पड़ता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए नहीं सही है। ये हमारे जैसे साधारण मनुष्य की बुद्धि नहीं सोच सकती, और वो हमको इस बात की शंका रहती है या हमको शिकायत रहती है अपने ईश्वर से कि आप हमें कम देते हैं और लोगों को ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे आप सुनेंगे तो आपको मन में ये चलने वाली शंका जो है वो मिट जाएगी, और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। दोस्तों, ये जो घटना है बहुत साल पुरानी है, क्योंकि इस घटना में ना तो कहीं पे फ़ोन मोबाइल का जिक्र है, जो भी सूचना वगैरह दी गई है, आदान प्रदान हुई है, वो डाक के माध्यम से हुई है। तो मैं जो ये आपको घटना सुना रही हूँ इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और उसका आपके मन में क्या निष्कर्ष निकलता है फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। और आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ उन्हीं के शब्दों में जिनकी ये कथा है या जिनकी ये घटना है। ग्वालियर से भाभी का पत्र आया कि यदि अवकाश हो तो कुछ दिनों के लिए चले आओ, पिताजी बहुत याद करते हैं। दोस्तों, मुझे अपने घर गए हुए काफ़ी अरसा हो चुका था और मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही थी, अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। दोस्तों, मैं एक सरकारी विभाग में कार्यरत था उस समय, और अपने घर से काफ़ी दूर रहता था अकेले, और इधर मुझे अपने घर ग्वालियर गए हुए काफ़ी समय हो गया था, तो मेरा मन भी बेचैन हो रहा था और मुझे भी अपने घर जाने की बहुत इच्छा हो रही थी। तभी मुझे ऑफिस से अपने पता चला कि किसी कार्य से मुझे आगरा जाना है, तो मैंने अपने ऑफिस में बात की कि कुछ समय के लिए मुझे छुट्टी मिल जाए कुछ दिनों की, तो मैं अपने परिवार से मिलाऊँ, और जो छुट्टी मुझे मंजूर हो गई। दोस्तों, मैंने तुरंत ही डाक के द्वारा अपने घर में खबर भेज दी कि सोमवार को मैं प्रातः पंजाब मेल से चलकर दोपहर में आगरा उतरूंगा, और वहां से 3 बजे से मद्रास जनता जो ट्रेन है उसे चलकर आपके पास शाम तक पहुंच जाऊंगा। मुझे ऑफिस की तरफ से आगरे में कुछ काम मिला था, करना था मुझे ऑफिस का, साइन करवाने थे किसी अधिकारी से कुछ कागजों पर, तो मैंने सोचा कि ये काम भी करवा लूँगा और अपने घर भी हो लूँगा। दोस्तों, केवल दस्तखत भर करवाने के लिए मैं बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गया, 12 बजे थे उस समय, तो मुझे लगा कि अभी तो बहुत समय है और मैं आराम से जो 3 बजे की ट्रेन है मेरी मुझे मिल जाएगी। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में किस तरीके से कार्य होता है, जो अफसर वगैरह होते हैं बहुत लेट से आते हैं, और ये मेरे साथ भी हुआ, जो मेरे ऑफिसर थे बहुत लेट से आए और मेरा कार्य होते होते मेरी बारी आते आते शाम के 4 बज चुके थे और मेरी ट्रेन छूट चुकी थी। दोस्तों, मेरे मन में भगवान को लेके बहुत गुस्सा हो रही थी कि मुझे एक तो
कई सालों बाद अपने घर जाने का मौका मिला है और ये भगवान ने क्या किया, मेरी ट्रेन छूट गई, अब मैं कैसे अपने घर पहुंचूंगा, इतना लेट हो गया था, मैं 4:30 करीब बज चुका था और मैं ऐसे मसोकता हुआ झिझकारता हुआ पहुंचा पास के बस स्टैंड में। दिल तो दोस्तों बहुत कुड़ रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था बस से जाने के सिवा। मैंने बस स्टैंड पर जाके पूछा कि ग्वालियर जाने के लिए कोई बस है कि नहीं, तो ईश्वर की उस समय दया थी कि ग्वालियर जाने के लिए एक बस बिल्कुल तैयार थी, मैं उसी में जाकर बैठ गया। लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं था कि मैं अपने घर वालों को इस बात की सूचना दे दूं कि मैं ट्रेन की जगह बस से आ रहा हूं, और मेरे घर वाले इस चीज़ से अनजान थे कि मैंने अपना जो आने का साधन बदल दिया है। मुझे घर पहुंचते पहुंचते दोस्तों काफ़ी देर हो गई थी, बस से मैं अपने घर ग्वालियर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो वहां एकदम मौत सी चुप्पी छाई थी, मेरा मन संकित हो उठा। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी समय से ख़राब चल रही थी, मुझे ऐसा लगा कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। मेरा मन घबरा रहा था और मैं बिना कुछ सोचे समझे अंदर अपने घर की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा मेरी माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रो रही हैं, उनकी बहुत बुरी हालत थी। मैंने अपनी माँ को जब इस तरीके से रोते देखा मेरे मन में और ज़्यादा घबराहट होने लगी और मैं सामान अपना रख कर तुरंत अपने माँ की तरफ भागा। लेकिन दोस्तों मेरी माँ ने जैसे ही मुझे देखा वो भाग कर आई और मेरे गले से लिपट कर रोने लगी और मेरी कुशलता की 100-100 दुआएं मांगने लगी ईश्वर से, और ईश्वर से कहने लगी, उनका धन्यवाद करने लगी। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है, मुझे तो लग रहा था कि शायद पिताजी को कुछ हुआ है, ये सब मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाया कि वो चुप हो जाएं, क्या हुआ है मुझे बताइए, लेकिन वो इतना ज़्यादा रो रही थी तो मैंने उन्हें झिड़क कर पूछा कि आप पहले मुझे बताइए कि आप क्यों रो रही हैं, सब कुशल तो है। इतने में दौड़ी दौड़ी मेरी भाभी आ गई और उन्होंने सारी गुत्थी सुलझा दी। उन्होंने बताया कि बड़े भाई साहब तुम्हें लेने के लिए शाम को स्टेशन गए थे, उन्हें पता चला कि तुम जिस ट्रेन से आने वाले हो उसका बहुत भयंकर दुर्घटना हुई है मालगाड़ी से टकरा कर, और बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई है, बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं, बहुत गंभीर अवस्था में हैं, और इस बात की जानकारी देकर तुम्हारे बड़े भैया तुम्हें देखने के लिए स्टेशन पर गए हुए हैं, और तुमने तो उसी ट्रेन से आने के बारे में लिखा था ना, और हम सबको ये लग रहा था कि शायद हम कभी तुमको नहीं देख पाएंगे, और हमारा मन जो था बहुत घबरा रहा था क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, पर तुम यहाँ कैसे। मैं आवाक रह गया, मेरे मस्तक गाड़ी के चक्के की तरह घूमने लगा, मुझे लगा कि मैं जो भगवान को बुरा भला कह रहा था कि आपकी वजह से मुझे गाड़ी मेरी छूट गई, और क्लेम जो ऑफिसर था उनको मैं कोस रहा था कि उनकी वजह से मैं लेट हो गया, लेकिन अगर आज वो नहीं होता मेरे साथ तो मैं शायद अपने परिवार वालों से कभी नहीं मिल पाता। अगर मैं अपने निर्धारित समय के अनुसार उस ट्रेन में चढ़ गया होता तो आज मैं काल के मुंह में जा गिरता। ईश्वर की ये कैसी विचित्र लीला है। और दोस्तों भगवान जो करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर अच्छा छुपा होता है जिसे हम जैसे साधारण लोग नहीं जान पाते। तो अगली बार कभी भी भगवान से शिकायत करने से पहले इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भगवान जो भी करते हैं वो हमेशा अच्छा होता है, पर हम जैसे साधारण मनुष्य उसको समझ नहीं पाते हैं। अगर आपको ये घटना पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के मन में चलने वाले संशय मिट सकें और वो अपने भगवान से ज़्यादा जुड़ सकें। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी सदैव रक्षा करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।